हम आपको कहते हैं शामदीद टंडो आदम की बकरा मंडी में हम आए हैं। यहाँ पे ये शौक के लिए भी रखे जा सकते हैं और बकरा 2022 के लिए भी ये गुलाबी बकरे रखे जा सकते हैं। तो चलें इनके ओनर से इनके रेट वगैरह पूछते हैं। पहले मैं आपको बैठ के थोड़ा ये दिखा दूँ, इनकी गली और झालर वगैरह चेक करें। माशाल्लाह गली वाले बच्चे हैं। देखें इनके रेट क्या मुनासिब करते हैं, यानी इनके कानों की लेंथ भी चेक करें। ये शौक के लिए भी रखे जा सकते हैं और अगर कोई भाई बकरा ईद के लिए तैयार करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये कितने तीन बच्चे हैं ना? ये भाई तीन ही। क्या डिमांड रखी है इनकी आप? इसके तीनों का 2 लाख। तीनों के 2 लाख? 2 लाख यानी कि तकरीबन 1 नंबर बच्चे। देखो तीनों ही बिल्कुल, तीन बच्चों का 1 लाख डिमांड कर रहे हैं। देखते हैं कि फाइनल कहाँ तक। अच्छा सर, ये फाइनल कहाँ तक हो जाएंगे? सही फाइनल ये होगी 180 के, 60 का। अच्छा, इसके अलावा क्या है आपके पास? ये बड़े बकरे, तीन मादियाँ हैं। चलिए, इस तरह बच्चे भी इनके पास हैं और ये तीन मादियाँ भी। ये पहले फीमेल्स आपको दिखा देते हैं क्योंकि कुछ दोस्त शौक के लिए फार्मिंग के लिए भी रखना चाहते हैं, तो ये फीमेल्स के रेट इनसे पूछते हैं, उसके बाद इनके पास जो बकरे खड़े हैं वो भी। अच्छा सर, ये कितनी उम्र की होंगी? चार महीने की हैं। अच्छा, तो इनकी क्या डिमांड रखी है आपने? 55 बहुत ज़्यादा है यार। नस्ल वाली है, कानों की लेर देखो, लंबाई देखो, ये नस्ल वाली माल है। लेकिन 55 बहुत ज़्यादा। 50 देखो, ये झालर देखो, ये कानों की लंबाई देखो। अच्छा, तो ये बकरे इनकी क्या डिमांड रखी है? ये दोनों ले जाओ। ये इस तरफ से इसको चेक करें तो दोनों के 140। हालानी शहर में इनका फार्म है, अगर किसी भाई को इनसे रब्ता करना हो तो हम आपको नंबर दे देते हैं। और इस तरफ ये बच्चा माल होता है, देखो झालर वाले, हल्का माल नहीं है हमारे पास। ये अगर ब्रीडर के लिए कोई रखना चाहे तो भी बच्चे माशाल्लाह, ये देखें नकोट और झालर इनकी चेक करें। इसको क्या कहते हैं पासे में? अच्छा, टापे वाला। चार बच्चे हैं। अच्छा, इनके पहले बता दें तो वो दिखा देंगे बाद में। ये दोनों के ना? हाँ, ये दोनों के 140। 140 70। फाइनल कहाँ तक छोड़ देंगे? फाइनल से देंगे आपको 60-60। 60-60 का। ये कितनी पाँच माह के होंगे? 6 माह? 5-5 महीने के। चलो, 5-5 माह। बड़े झालर में, बड़े कानों में, लंबाई बकरों का देख सही। अब ये वाले दो मादा है, दो नर है। अच्छा, इसमें दो मादा हैं और दो नर। ये सामने वाली दोनों मादियाँ हैं? हाँ, ये दोनों मादियाँ हैं। अच्छा, ये दो मादियाँ हैं। इस तरफ भी चेक कराऊँ मैं आपको। ये दो गली है इनकी, कानों की लेंथ, ये झालर वगैरह चेक करें आप, तो उसके बाद इनसे रेट पूछते हैं। एक नंबर चीज नकोड भी देखें, शौक के लिहाज से माशाल्लाह अच्छी हैं बच्चियाँ। अब देखें रेट ये मुनासिब करते हैं या नहीं करते। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रेट बताते हैं उसमें थोड़ी बहुत बारगेनिंग भी गुंजाइश भी होती है। अच्छा, ये फीमेल्स के क्या डिमांड रखी आपने? मादियों को जी हाँ। ये दोनों की 80,000। ये फाइनल कहाँ तक छोड़ देंगे? 40-40 तो मांग रहे हैं ना, फाइनल कहाँ तक छोड़ देंगे? फाइनल है ये? चलो से बता रहे हैं कि ये रेट इनके फाइनल है। देखो दोनों एक नंबर। और वो बच्चे? ये दोनों बच्चे हैं, थोड़ा इनको पीछे करें, इनकी गली वगैरह पता चले। गली और झालर इसके देखो, खूबसूरती है। कानों की लेंथ भी देखें, कानों की लेंथ देखो, इसकी नकोट की, कानों की पट्टी देखो, चेक करें कितनी खूबसूरत बची है। देखो उनकी जैसा लंबाई, जैसा कान, उसको देखो। अच्छा, ये कहाँ तक फाइनल हो जाएगा? चलो सर, बोला बहुत रहेंगे, ये भी 80,000 का फाइनल होगा। तो चले मैं इनसे नंबर ले लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर,
ये फार्म आपका कहाँ पे? हालानी शहर बाईपास पे। हालानी शहर पे, हाँ। अच्छा, तो हालानी की मंडी कौन से दिन पे लगती है? इतवार के दिन। चले, अपना नंबर बता दें आप। 0300 99 99 94 95 54। अच्छा, एक मरतबा नंबर रिपीट करें तो मैं इंग्लिश में बताता जाऊँ। नंबर बताएं। 0300 008 99 99 4 55 54। अच्छा, ये नंबर का नंबर है, अगर किसी भाई को उनसे रब्ता करना हो तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करें, देंगे माल तो माशाल्लाह इनके पास एक नंबर है, लेकिन रेट जो ये बता रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। अगर कोई सीरियस लेने वाला होगा तो ये गुंजाइश निकाल लेंगे। बस ये इस तरफ कुछ दो मोने बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी आप चेक करें। अच्छा सर, इसकी क्या डिमांड है? सर ये तकरीबन 8-8 महीने के हैं। डिमांड क्या है इनकी? डिमांड है 31। बहुत ज़्यादा है यार ऐसी। एक नंबर है मोंडे में, देखो एक नंबर। भले, लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है, अगर कोई कुर्बानी के लिए रखना चाहे तो 1 साल उसको रखने पड़ेंगे भाई। नस्ल वाला माल है भाई, ऐसे बगैर नस्ल वाला माल नहीं है ऐसे। ये कहाँ तक फाइनल, कहाँ तक हो जाएंगे फाइनल? आपको दूंगा 1-10 में। अच्छा, भैया उसे 55 का पूछा फाइनल बता रहे हैं। ये वाला 35 में हो जाएगा। ये वाला फोकर वाला है। ये 35 में, हाँ। फाइनल कहाँ तक हो जाएगा? फाइनल 32 में। अच्छा चलें, अपना नंबर बता दें आप। 0306 0318 0189 39 13 39 13। नाम क्या है आपका? एजाज अली। आप कहाँ से आए हैं? हालानी से। आप भी हालानी से हैं? वहाँ पे फार्म है आपका? हाँ। अच्छा, वैसे उनका फार्म है वहाँ पे हालानी में। अगर किसी भाई को उनसे रब्ता करना तो इस नंबर पे उनसे रब्ता करके फार्म का भी विजिट कर सकते। अच्छा, फार्म की लोकेशन बता देंगे? बाईपास पे है या अंदर शहर? बाईपास पे रही है, हालानी बाईपास पर। अच्छा भैया, हालानी बाईपास पे ही इनका फार्म है। अगर कोई दोस्त विजिट करना चाहे तो इस नंबर पे इनसे रब्ता करके विजिट कर सकते हैं। तो माल तो माशाल्लाह खूबसूरत और पॉइंट्स में हैं, लेकिन रेट अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो बकरा ईद के रेट ज़्यादा चल रहे थे उस वजह से अभी ये ईद के बाद यहाँ पे टंडो आदम की दूसरी मंडी है, यहाँ पे अभी तक रेट जो है कुछ तेज़ चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद कुछ रेटों में कमी भी आए, या हो सकता है बढ़ भी जाएं। ये तो होता है कस्टमर्स के लिहाज से। तो ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त कहते हैं कि यार इनके रेट बहुत हाई हैं, इनकी वीडियो नहीं बनाया करो। लेकिन क्या करें कि कुछ दोस्त हमें गुजारिश करते हैं कि भाई अच्छा जो माल आता है मंडी में वो दिखाएं, तो उनके लिए ये वीडियो बनानी पड़ती है। और बात अगर किसी को समझ में आती है तो सौदाम का बन भी जाता है, क्योंकि इनके जो बताने वाले रेट एक होते हैं, देने वाले और होते हैं। बताने वाले रेट में नहीं होता सौदा, अगर कोई बारगेनिंग करता है तो उसके लिए ये मुनासिब रेट भी कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा वीडियो में गलत कमेंट्स करने से आप परहेज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह आपका हमारा साथ जुड़ा रहेगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान। खुदा हाफिज़।